दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप बढ़िया ही होगे। मैं यार अपना नॉर्मल काम कर रहा था हमेशा की तरह, और काम करते करते बोर भी हो रहा था। मगर तभी अचानक से मेरे भैया का फ़ोन आता है और वो कहते हैं, हेलो। हाँ भैया। हाँ भाई, कहाँ हो? बस अभी द्वारका आया था रोशनी दीदी के यहाँ। कुडई कनाल एक है तमिलनाडु अच्छा में, हाँ, तो तुमको भी मैं उसमें इनवाइट करता हूँ। अच्छा, ठीक। तुम्हारा मैं वो करवा दूंगा, बैंगलोर आ जाना और वहाँ से साथ में चल लेंगे, फ्लाइट अच्छा वेट करवा दूंगा। ठीक ठीक है। है, ठीक है भैया। और ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ और खुशी खुशी मैं चला जाता हूँ मार्केट अपने लिए सॉक्स खरीदने, क्योंकि मैं सारे सॉक्स अपने गांव भूल आया था। फटाफट करते हैं पैकिंग, क्योंकि मैं अब 4-5 दिन के लिए भाई घर से बाहर जा रहा हूँ चिल करने। तो मैं कपड़े रखता हूँ, और मेरे कपड़े पैक कराने में मेरी भाई मम्मी बहुत हेल्प की थी। अभी फटाफट अपने कपड़े पहन लेता हूँ, और अभी 5 मिनट दिखा रहा है कैब आने का टाइम हो गया है बिल्कुल, और हम निकल गए हैं क्योंकि हमारी फ़्लाइट है। तो दोस्तों यार, मैं अगर अपना पर्सनली बताऊँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा घूमना पसंद है, मुझे बहुत ट्रैवल करना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट मैं मौका ढूंढता रहता हूँ कि बस कहीं ना कहीं से बस कहीं जाने को मिल जाए, कहीं घूमने को मिल जाए। जाने से मतलब कि पहाड़ों में, जहाँ नेचुरल चीज़ें हों, पहाड़ों में, हरियाली में, झरने में। तो अभी मेरी कैब बाहर आ चुकी थी और बस यहाँ से हमारा सफ़र चालू होता है। और थोड़ी ही देर बाद हम पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट, और यार मेरे को थोड़ी थोड़ी सी नींद लगी हुई है क्योंकि मैं कुछ चाय वगैरह नहीं पिया था और रात को भी मैं ढंग से सो नहीं पाया था। तो फटाफट पहले कुछ ढूंढते हैं कि मुझे चाय वगैरह यहाँ पर मिल जाए। और कुछ ऐसा दिखता है अपना एयरपोर्ट। तो फाइनली मुझे यार चाय मिल जाती है, और इसे पी के मतलब थोड़ा सा अच्छा फील होता है। जो नींद है अब वो पूरी तरीके से तो नहीं, मगर थोड़ी बहुत जा चुकी है। तो अभी मैं हूँ एयरपोर्ट पर, और 4:56 हो रहा है। 4:55 पे हमारा बोर्डिंग टाइम स्टार्ट था गेट खुलने का। तो अभी 1 मिनट हो गया है, अभी तक अनाउंसमेंट तो नहीं हुई। हाँ, एक आध मिनट चलता है यार डिले, तो वेट करते हैं थोड़ी देर। मैं बिना कुछ खाए पिए निकल गया था, तो अभी मैं चाय लिया था और पेटीज लिया था अपने लिए, अभी जस्ट उसको फिनिश किया। देखो अभी मैं रिवील नहीं करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली मैं जा कर रहा हूँ। हाँ, बट आज मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँगा आपको अपने सफ़र में ले चलूँगा, तो बने रहिए हमारे साथ। और बोर्डिंग का टाइम यार हो चुका है, 4:59 हो गया है। तो दोस्तों मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग यार फ्लाइट के नाम पे मेरे को बस पे बैठाने वाले हैं, और वो भी नीली बस पे, इंडिगो वाली। क्या किया जाए भाई, टिकट खरीद लिया है, चलते हैं भाई। ठीक है, बेंगलोर की नहीं होती है, मेरी फ़्लाइट पहले रहती है यहाँ से हैदराबाद की। हैदराबाद में 1 घंटे 30 मिनट का लेआउट रहता है। मैं हैदराबाद एयरपोर्ट पे रुका था, मैं टाइम लैप्स बनाया था वहाँ पे। और अभी हम पहुँच चुके हैं हैदराबाद एयरपोर्ट पे, और यहाँ पे काफ़ी अलग माहौल है। माहौल ये है कि सब यहाँ पे लोकल वाले हैं, लाइक यहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है वही बोल रहे हैं सब यहाँ पर।